बहुत मजबूत है औरतों के लिए। जो औरतें हमेशा मनुष्य से दबी हुई रहती थीं, अब ये बराबर के लिए बराबर से आ गई औरतें। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्ट्रेशन इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। इट इज़ नाइस इफ वी मीन्स इफ वी गो अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री ऑल्सो। एंड निकाह के अगर हम निकाह भी करते हैं, उसके अलावा भी हमें कोर्ट में मैरिज करना पड़ती है। अगर हम विदेश जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का दिखाना है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर वुमेन। महिलाएँ जो जिस तरह से ट्रिपल तलाक को लेकर परेशान हो जाती हैं, या हिंदू कम्युनिटी में जो महिलाएँ डाइवोर्स को लेकर या उनके पति दोबारा शादी कर लेते हैं दूसरी, तो प्रूफ करने में बहुत टाइम नहीं, इससे उनको प्रूफ करने में आसानी रहेगी, उनके पास एक मजबूती रहेगी, उनके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा। दे कैन प्रूव इट कि हमारे पास ये मैरिज सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड थिंग। रजिस्ट्रेशन सेफ है, सेफ है, सेफ। फीमेल्स आर सेफ, वुमेन्स आर सेफ। बहरहाल देखिए, अगर निकाह नामा वगैरह रजिस्ट्रेशन के ज़रिए शादी ब्याह हो जाएगी तो इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। जाहिर सी बात है, जब कानून को जो है कानून के दायरे में कुछ शर्तें रखी जाएंगी तो उसको बहरहाल लड़के वाला पक्ष उसको थोड़ा से गंभीरता से लेगा और लड़की पे जुल्म सितम अत्याचार करते हुए थोड़ा डरेगा और तलाक वलाक की नौबत में भी कमी आएगी। जाहिर सी बात है, अगर ये सिलसिला होगा तो कानून और संविधान के उसमें एक निकाहनामा बन जाएगा, शादी ब्याह रजिस्टर्ड हो जाएगी शादी, तो उससे बहरहाल फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये रजिस्ट्रेशन तो सही है, लेकिन उसमें उनकी नीयत में खोट फर्क मालूम होता है, क्योंकि ये जो है ये पुराना मसला है, अभी से ये नहीं शुरू हुआ है, ये तो अखिलेश सरकार ने भी शुरू किया था, लेकिन उसमें मुस्लिम की मुखालफत की वजह से उनको उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया आज से 4 साल पहले। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि होना चाहिए, लेकिन मेरी इन माई ओपिनियन जो है इंदा लागते रहते ये एक स्टेप जो है कामन सिविल कोर्ट की तरफ है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो देश की ज्वेल हैं उसकी तरफ पूरा स्टेप करना चाहिए। ये तो मुद्दे जो है ये ट्रिपल तलाक के और ये मुद्दे तो कुछ है नहीं, ये तो मुद्दा मुस्लिम्स को अपने आप सुलझा लेंगे। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये लिख के दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये लिख के दिया है कि मैं अपने आप उसमें मुझसे मतलब सुलझा रहा हूँ और उसमें सुलझाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका भी अब तक डिसीजन कुछ नहीं दिया है। लेकिन ये अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ये तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए नियत में कुछ खोट मालूम होता है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के निर्णय और रजिस्ट्रेशन से महिलाओं में कुछ मजबूती नहीं आएगी? हाँ, महिलाओं में तो सेफ्टी आएगी, महिलाओं में तो सेफ्टी आएगी, उनको एक सेफ्टी हो जाएगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, उनको तो इस तरह से बाहर जाने में भी मदद मिलेगी, सब कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन एक शो हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनको क्लेरिफाई करना नियत का हमें कुछ फ़र्क मालूम होता है। मुस्लिम कम्युनिटी में तो उससे पहले भी रजिस्ट्रेशन था, शहर काजी जो रजिस्टर्ड काजी है वो उसको रजिस्टर देता था। अच्छा, दो गवाहों से शादी होती थी, उसमें जो गवाह थे रजिस्टर्ड में भी दस्तखत करते थे, और उसकी कापी जो थी एक दोनों को पार्टीज़ को दी जाती थी उसमें। और जहाँ तक है ये जो शहर काजी के द्वारा जो है जो सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया जाता वो तो कोर्ट में भी मान्यता उसकी है, लेकिन अब ये ओपिनियन गवर्नमेंट का ये समझिए, इसको नहीं कह रहा कि मुसलमानों के पास, शिया कम्युनिटी में भी था रजिस्ट्रेशन, शिया कम्युनिटी में भी पहले से था, तलाक दी जाती है वो मेहर बनता है, और जब तक मेहर का हमारी कम्युनिटी में ये है जब तक के शादी मेहर अदा ना किया जाए, जब तक के शादी का वो शौहर उसको नहीं कर सकता,